हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइड इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे गूगल पे का एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करता है। तो गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कोई ऐप्स का ज़रूरत नहीं है और कोई दूसरा ऐप्स भी प्ले स्टोर में अभी तक नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर गूगल पे में आप मर्चेंट अकाउंट बना के आपको फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और कैसे गूगल पे में मर्चेंट अकाउंट बनाना है सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताऊँगा। इसीलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, स्टेप मिस मत कीजिए। स्टेप मिस किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका गूगल पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऑफर सेक्शन में आ गया तो आपको देख सकते हैं पे बिजनेस ऑफ रुपीज़ 150 एंड मोर एंड गेट स्क्रैच कार्ड अप टू 1000 रुपीज़। तो इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। यह है गूगल पे का बिजनेस ऐप को अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हो वो है ओनली 150 रुपीज़ का, तो इसको करने के बाद आपको मिलेगा एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने के बाद ही आपको मिनिमम ऑफ 50 रुपीज़ का एक स्क्रैच कार्ड से 1000 रुपीज़ का एक स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको गूगल पे का एक बिजनेस अकाउंट है तो आपको 1000 रुपीज़ तक मिलने वाला है। और भी बहुत सारा ऑफ़र गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट में आने वाला है, तो अगर आप अभी से गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट अप्लाई करके रखोगे तो आपके लिए बहुत आगे काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसे गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकता है। तो इसीलिए आपका गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में चले जाइए। जब भी गूगल क्रोम में ब्राउज़र में जाने के बाद एक ऑप्शन में सर्च करोगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक्स में आने के बाद ऐसा एक इंटरफेस पेज आ जाएगा। जिस पेज में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद पेज ओपन करने के बाद ही इसमें आपको दिखाई देगा साइन अप। तो साइन अप फॉर गूगल पे टुडे, तो जब भी आप साइन अप में क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो कि स्टोर का है कि ऑनलाइन का है। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टोर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में किया तो आपको बहुत कुछ ऑनलाइन का, जैसे ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, आधार कार्ड और बाकी सब, आपका GST, ये सब कुछ देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपका सिंपल सा ऑफलाइन स्टोर को चूज कर लीजिए। तो जब भी स्टोर चूज करोगे तो आपको इधर आपका डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, पोजीशन क्या है, क्या कंपनी का नाम है, कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर क्या है और बाकी सब कुछ है, तो मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन है, डू यू हैव अ POS टर्मिनल एट योर स्टोर। तो इसका मतलब है जो POS मशीन रहता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, कार्ड स्वाइप करने के लिए, वो POS मशीन है आपके नहीं है, तो आपको सिंपली इसको नो सेक्शन में क्लिक कर देना है। तो आप इसको नो कर दोगे और आपका कंपनी का कुछ वेबसाइट है, जैसे अगर रहे तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है। ये भी कंपनी प्रोडक्ट सर्विस, ये भी ऑप्शनल है, और बिजनेस UPID सब ऑप्शनल है। तो सब आपका प्रोडक्ट, आपका जो ये सब ऑप्शनल है, इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सब इसको नो डाल देंगे और उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, टाइटल, पोजिशन डाल दोगे। मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेरा एड्रेस फिलअप कर दिया, इधर टाइटल में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, कंपनी नेम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सब डालने के बाद सिंपल सा नो ऑप्शन डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इसको आपको क्लिक करना है। तो जब भी आई एम नॉट ए रोबोट में आप क्लिक करोगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैप्चा आ जाएगा, जैसे कि फायर हाइड्रेंट का कैप्चा है, क्रॉसवॉक का कैप्चा है। सिंपल से आप क्रॉसवॉक में टिक मार के इस कैप्चा को फिलअप कर सकते हो। जब भी फिलअप हो जाएगा आपको इधर सिंपली वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई हो गया तो आपको आई एम नॉट ए रोबोट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको सिंपल सा नीचे सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में आ जाने के बाद योर थैंक यू फॉर इंटरेस्ट बोल के ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये होने के बाद आपके पास एक ईमेल में मैसेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली मेरे पास अभी ईमेल आ गया। तो ठीक है, ये गूगल पे के तरफ से ईमेल आ चुका है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या ईमेल है। तो ये थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग एंड गूगल पे फॉर बिजनेस, वे आर एक्साइटिंग टू द बिजनेस अक्रॉस इंडिया, वी विल बी यूज द ग्रेटेस्ट नई ईमेल एड्रेस नोट पे इन द डिफरेंट बिजनेस इन लेवल फॉर गूगल पे फॉर द बिजनेस मींस ऑल योर इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड अबाउट मार्ट गूगल पे फॉर बिजनेस प्लीज बिजनेस हेल्प सेंटर। तो ये है हमारा टोटल, उन लोगों के पास रिसीव हो चुका है हमारा डिटेल्स। तो डिटेल्स रिसीव होने के बाद जब भी अपडेट आएगा हमारे पास तो मैं आपको बता दूंगा कि अपडेट क्या आया। तो ऐसे आप एक गूगल पे का बिजनेस अकाउंट बना लीजिए। बनाने के बाद आपको ये गूगल पे का स्क्रैच कार्ड सिंपल सा आपका ये बैंक एड्रेस में
आपको मनी ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो मनी ट्रांसफ़र कर लिया तो आपको 1000 रुपीज़ तक आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑफ़र है और साथ ही साथ आपको बिजनेस अकाउंट भी मिल जाएगा और आगे में बहुत सारा बिजनेस अकाउंट के लिए ऑफ़र आने वाला है। तो इसीलिए अगर अभी से बिजनेस अकाउंट बना कर रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक सब्सक्राइब कर देना, नया है तो और लाइक और शेयर करके हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट ब्राइट इफेक्ट ऑलवेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे गूगल पे का एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करता है। तो गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कोई ऐप्स का ज़रूरत नहीं है और कोई दूसरा ऐप्स भी प्ले स्टोर में अभी तक नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर गूगल पे में आप मर्चेंट अकाउंट बना के आपको फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और कैसे गूगल पे में मर्चेंट अकाउंट बनाना है सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताऊँगा। इसीलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, स्टेप मिस मत कीजिए। स्टेप मिस किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका गूगल पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऑफर सेक्शन में आ गया तो आपको देख सकते हैं पे बिजनेस ऑफ रुपीज़ 150 एंड मोर एंड गेट स्क्रैच कार्ड अप टू 1000 रुपीज़। तो इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। यह है गूगल पे का बिजनेस ऐप को अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हो वो है ओनली 150 रुपीज़ का, तो इसको करने के बाद आपको मिलेगा एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने के बाद ही आपको मिनिमम ऑफ 50 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड से 1000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको गूगल पे का एक बिजनेस अकाउंट है तो आपको 1000 रुपीज़ तक मिलने वाला है। और भी बहुत सारा ऑफ़र गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट में आने वाला है। तो अगर आप अभी से गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट अप्लाई करके रखोगे तो आपके लिए बहुत आगे काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसे गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बना सकता है। तो इसीलिए आप आपका गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में चले जाइए। जब भी गूगल क्रोम में ब्राउज़र में जाने के बाद एक ऑप्शन में सर्च करोगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक्स में आने के बाद ऐसा एक इंटरफेस पेज आ जाएगा। जिस पेज में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट पेज से आपको कैसे करना है। तो जब भी आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद पेज ओपन करने के बाद ही इसमें आपको दिखाई देगा साइन अप। तो साइन अप फॉर गूगल पे टुडे, तो जब भी आप साइन अप में क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो कि स्टोर का है एक ऑनलाइन का है। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टोर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में किया तो आपको बहुत कुछ ऑनलाइन का, जैसे ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, आधार कार्ड,
और बाकी सब आपका GST ये सब कुछ देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप आपका सिंपल सा ऑफलाइन स्टोर को चूज कर लीजिए। तो जब भी स्टोर चूज करोगे तो आपको इधर आपका डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, पोजीशन क्या है, क्या कंपनी का नाम है, कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर क्या है और बाकी सब कुछ है, तो मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन है, डू यू हैव अ POS टर्मिनल एट योर स्टोर। तो इसका मतलब है जो POS मशीन रहता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, कार्ड स्वाइप करने के लिए, वो POS मशीन है आपके नहीं है, तो आपको सिंपली इसको नो सेक्शन में क्लिक कर देना है। तो आप इसको नो कर दोगे और आपका कंपनी का कुछ वेबसाइट है, जैसे अगर रहे तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, ये भी कंपनी प्रोडक्ट सर्विस ये भी ऑप्शनल है और बिजनेस UPI ID सब ऑप्शनल है। तो सब आपका प्रोडक्ट आपका जो ये सब ऑप्शनल है, इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली सब इसको नो डाल देंगे और उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, टाइटल, पोजिशन डाल दोगे। मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेरा एड्रेस फिलअप कर दिया, इधर टाइटल में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, कंपनी नेम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सब डालने के बाद सिंपल से नो ऑप्शन डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इसको आपको क्लिक करना है। तो जब भी आई एम नॉट ए रोबोट में आप क्लिक करोगे तो आपको आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैप्चा आ जाएगा, जैसे कि फायर हाइड्रेंट का कैप्चा है, और अगर आप नहीं चाहते हो तो दूसरा भी कैप्चा रिलोड कर सकते हो, जैसे कार का कैप्चा आता है मैक्सिमम टाइप, तो ये क्रॉसवॉक का कैप्चा है, सिंपल से आप क्रॉसवॉक में टिक मार के इस कैप्चा को फिलअप कर सकते हो। जब भी फिलअप हो जाएगा आपको इधर सिंपली वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई हो गया तो आपको आई एम नॉट ए रोबोट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको सिंपल सा नीचे सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में आ जाने के बाद योर थैंक यू फॉर इंटरेस्ट बोल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये होने के बाद आपके पास एक ईमेल में मैसेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली मेरे पास अभी ईमेल आ गया। तो ठीक है, ये गूगल पे के तरफ से ईमेल आ चुका है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या ईमेल है। तो ये थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग एंड गूगल पे फॉर बिजनेस, वेर एक्साइटिंग टू विद बिजनेस अक्रॉस इंडिया बीज द ग्रेटेस्ट ई मेल एड्रेस नोट पे इन डिफरेंट बिजनेस इन लेवल फॉर गूगल पे फॉर द बिजनेस मीन सोल इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड अबाउट मॉट गूगल पे फॉर बिजनेस प्लीज बिजनेस हेल्प सेंटर। तो ये है हमारा टोटल, उन लोगों के पास रिसीव हो चुका है हमारा डिटेल्स। तो डिटेल्स रिसीव होने के बाद जब भी अपडेट आएगा हमारे पास तो मैं आपको बता दूंगा कि अपडेट क्या आया। तो ऐसे आप एक गूगल पे का बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, बनाने के बाद आपको ये गूगल पे का स्क्रैच कार्ड सिंपल सा आपका ये बैंक एड्रेस में आपको मनी ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो मनी ट्रांसफ़र कर लिया तो आपको 1000 रुपीज़ तक आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑफर है और साथ ही साथ आपको बिजनेस अकाउंट भी मिल जाएगा, और आगे में बहुत सारा बिजनेस अकाउंट के लिए ऑफर आने वाला है। तो इसीलिए अगर अभी से बिजनेस अकाउंट बना के रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक सब्सक्राइब कर देना, नया है तो और लाइक और शेयर करके हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट ब्राइट इफेक्ट ऑलवेज।